तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के तरह से आने वाले जे सीरीज में और एक न्यू स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम रहेगा मोटो G04 स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन के स्पेक के लीक निकल के आ चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोटो G04 स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेक देखने को मिलेगा, कौन से प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा और कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च होते हुए इंडियन मार्केट में, हम सब कुछ हम डिटेल के साथ में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। तो शुरुआत करते हैं मोटो G04 स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बेहद सिंपल रहने वाला है। सिंगल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आपको फ्लैश लाइट की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपको यहाँ पर बैगन लेदर की आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये स्मार्टफोन थोड़ा सा आपको प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। और फ्रंट साइड की अगर बात करते हैं तो फ्रंट साइड में आपको पंचोल कैमरा कटआउट देखने को मिलेगा। तो लुकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज ऑप्शन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो डिजाइन को लेकर यह स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन जैसे ही आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो 6.56 इंच की HD+ की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो की 90Hz के साथ में आएगा। और दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको पंचोल कैमरा कटआउट देखने को मिलेगा। तो कंटेंट वॉचिंग में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इसी मोटो G04 स्मार्टफोन से। तो दोस्तों डिस्प्ले को लेकर ठीक ठाक होने वाला है मोटो G04 स्मार्टफोन। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के लिए यूनिसॉक के तरफ से आने वाले प्रोसेसर यूनिसॉक T606 प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि 2nm बेस प्रोसेसर है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, माली G57 GPU के साथ में आता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर ठीक ठाक होने वाला है, आपके सारे डिटेल टास्क को इजीली हैंडल कर लेगा। और इस प्रोसेसर की एंटूतु स्कोर के बारे में बात करते हैं तो 2.5 लाख के करीब एंटूतु स्कोर को निकाल के देता है। और दोस्तों इस प्रोसेसर को हमने काफ़ी सारे स्मार्टफोन में देखा है तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलने वाला है। और रैम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो 4GB रैम ऑप्शन देखने को मिलेगा, 64GB स्टोरेज ऑप्शन। और दोस्तों स्टोरेज टाइप रहेगा UFS 2.2 रहेगा जिसकी वजह से ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोजिंग आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन रन करने वाला है एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 14 पर। MIUI देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। और दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 16MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और सेल्फी कैमरा 5MP का दिया जाएगा जिससे आप टिक टॉक के सेल्फी और वीडियो कॉलिंग आप कर पाएंगे। और इसके सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों कैमरा को लेकर देखा जाए तो डिजाइन होने वाला है मोटो G04 स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन से आप डिसेंट क्वालिटी के वीडियो और सेल्फी वगैरह भी एक्सेट कर सकते हैं। बात करते हैं उधर फीचर के बारे में। तो 3.5 वोल्ट जैक, NFC का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप पोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा मोटो G04 स्मार्टफोन में। और बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। इसे चार्जिंग करने के लिए 15W की फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों बैटरी और चार्जिंग को लेकर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, 15W की फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा तो बहुत ही जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं प्राइजिंग के बारे में। तो मोटो G04 स्मार्टफोन की प्राइजिंग 6000 से लेकर 7000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन फरवरी के मंथ पे लॉन्च किया जाएगा मोटोरोला की तरफ से। तो दोस्तों देखा जाए तो मोटोरोला की तरफ से डिसेंट स्मार्टफोन होने वाला है मोटो G04 स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक जरूर से देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा आने वाले कॉन्टेंट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।